अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 सत्र 2024-26 के लिए। पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे, एडमिशन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी, आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स, फीस, उम्र, योग्यता, अदर स्टेट को लेकर के अपडेट है, और प्रशिक्षण आपका कब से शुरू हो रहा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक बात बताएंगे अदर स्टेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अदर स्टेट के छात्रों को मौका दिया गया है। क्यों मौका दिया गया है, क्या उनका कोई फायदा है, क्या इन बच्चों को डायट की सीट, एक भी सीट मिल सकती है? अब जरा इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है और उसके नंबर 250 भी बन रहे हैं, तो क्या वो बच्चा सरकारी कॉलेज पा पाएगा? जरा देखते हैं। इस बार दोस्तों एडमिशन में एक बात रखी गई है निवास को लेकर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं या आप अदर स्टेट से हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। एकदम क्लियर है। अब देखिए अदर स्टेट को लेकर क्या है। देखिए डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखीय जांच या चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है, मतलब अगर आपकी सीट खाली रह जाती है, तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर हो गया। तो अदर स्टेट के बच्चों को मौका तब दिया जाएगा जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद सीटें खाली रह जाएंगी। आपको बता दें भैया, डाइट की सीटें कभी खाली नहीं रहती, ठीक है। उसके लिए बच्चे मरते हैं, उनको तो चाहिए सरकारी सीटें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले अदर स्टेट को मौका इसलिए दिया गया क्योंकि पिछले साल खाली रह गई थी 70,100 सीटें खाली रह गई थी। एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर कोई बच्चा दूसरे राज्य का भी है ना, उसको एडमिशन तो मिल जाएगा, उसको लेकर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एडमिशन होगा। लेकिन हाँ, सरकारी कॉलेज वाला मैटर फंसेगा, तो अदर स्टेट के छात्रों के साथ ये बड़ी नाइंसाफी हम कह सकते हैं। और एक और बात, जो भी बच्चे अदर स्टेट से आएंगे उनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित या अनरिजर्व श्रेणी में मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा। तो अगर दोस्तों आप बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, तो आपको यूपी में आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए बिहार में रहने वाले, ठीक है, बिहार के स्टूडेंट हैं और आप वहां पर एससी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते ही आपको क्या बना दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी या यूआर के लिए, ठीक है। ये क्लियर। आवेदन दोस्तों हमारा 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 9 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। इसको लेकर ऑफिशियल देखिए, कोई भी जानकारी हम देते हैं तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए। स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर से, लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2024। तो 9 अक्टूबर से पहले जल्द से जल्द आपको आवेदन कर लेना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन का देखिए ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो समझ लीजिए पहले, तो आपका जो इंटरनेट वाला रिजल्ट है ना वो रखना है। और देखिए डीवी कैसे होता है, आपके मन में एक और सवाल था कि सर जी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होता है, तो उसके लिए आपको एक फाइल खरीदना पड़ेगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट जो हम बताएंगे वो आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, वो भी देखिएगा, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। उसके बाद दोस्तों आपका टीसी लगेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट कुछ कॉलेज में लगता है, जैसे डाइट में अगर आप जाते हैं तो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा, निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा, ये सारी चीजें। शपथ पत्र एक देना पड़ेगा जिसमें आप ये क्लियर करेंगे कि भैया हम डीएलएड के अलावा कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम कहीं नौकरी वोकरी नहीं कर रहे हैं, इतना हो गया। अब चलिए फीस पर आ जाते हैं। फीस आपकी फॉर्म भरने की 700 रुपये, जनरल ओबीसी में, एससी एसटी में 500 रुपये, फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये। अगर आप कॉलेज की फीस की बात कर ले, सरकारी कॉलेज की 10,200 रुपये, प्राइवेट कॉलेज की 41,000, ठीक है। उम्र मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, 40 साल आपको छूट के बाद मिलेगी। योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन है विद 50% के साथ।
अगर आप आरक्षित वर्ग में है तो 45%, जनरल में है तो 50%। अदर स्टेट के बच्चों को मौका जरूर मिलेगा, लेकिन सरकारी कॉलेज की उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। और क्लासेस आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। फॉर्म भरते समय दोस्तों क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें यहाँ पर रहने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन में आता है, देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स। कुछ बच्चों के मन में था कि सर जी हम क्या 12वीं पास हो गए, क्या हमें मौका मिल सकता है, तो अभी फिलहाल ऐसा नियम नहीं रखा गया। इस साल बच्चे काफी ज्यादा डाउट में थे कि इस साल फॉर्म आएगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट वन करना है, जहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालेंगे। अगर अभी तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो बिना रिजल्ट के आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे आपने रजिस्ट्रेशन पार्ट वन किया, उसके बाद तुरंत आपको पहले पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। 700 रुपये होगा जनरल ओबीसी में, SC ST में 500, फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये। पैसा मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, पार्ट टू में आप अपने हाई स्कूल 12वीं और अपने घर का एड्रेस, ये सारी डिटेल्स डालेंगे। फिर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये प्रिंट करके PDF में रखना है। बहुत से आप लोग फॉर्म भरते होंगे उसका प्रिंट नहीं रखते होंगे यहाँ, लेकिन ये कंपलसरी है, पता है क्यों? क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाएंगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, तो वहाँ के टीचर आपके नंबर का मिलान करेंगे, पता तो चले आपने हाई स्कूल में कितना नंबर डाला 12वीं में। मान लीजिए 12वीं में आपके 500 में, यूपी बोर्ड की बात करें, मान लीजिए 500 में से 340 नंबर था, आपने जानबूझ के 390 कर दिया, तो आपने मेरिट को प्रभावित कर दिया, जानबूझ के नंबर ज्यादा डाला ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बाध्यता समाप्त करने की जो तैयारी थी वो समाप्त कर दी गई है। देख सकते हैं 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 9 अक्टूबर तक चलेगा। तो 18 और 9 तारीख को आवेदन करना थोड़ा मुश्किल होता है, वेबसाइट बहुत डाउन रहती है, बाकी दिन आप आराम से कर पाएंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त आप कहीं और से आप आवेदन नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर भी देय नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का और कुछ नहीं मिलेगा। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार से आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी DLADigital.com अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट आपको बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, DELED आप कर रहे हैं तो पहले DELED याद रखिए, रिजल्ट RESULT.com, पूरा लिखेंगे वेबसाइट तो DELED Result 2024 की वेबसाइट आएगी, उसको ओपन कर लेंगे, अधिक जानकारी आप वहां पर प्राप्त करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी आपका डाउट होगा, सवाल आप लोग पूछते रहिएगा, हम आंसर करते रहेंगे। तो इस वीडियो में भी आपको काफी सवाल आएगा। एक बात और कि आपके मन में एक सवाल होगा कि सर डॉक्यूमेंट जो हमारे ये बने कितना पुराना होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं आपका 6 महीना पुराना अगर आपके पास है तो वो ज्यादा बेटर होता है। ज्यादा पुराना है तो फिर दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो अगर नहीं तो अगर आपको देखिए नहीं बनवाना नया, तो अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम या सरकारी कॉलेज को भैया फाइनल कर लिया कि हमें इसमें एडमिशन लेना है, तो एक बार आप वहां पर जाकर संपर्क कर लीजिए, कह दीजिए सर जी हमारा डॉक्यूमेंट 1 साल पुराना है, मतलब जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र निवास, क्या ये चल जाएगा, वो क्लियर करेंगे, क्योंकि हर कॉलेज वाले अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, तो एक बार उनसे पूछ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और, जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर जमा हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जाता है। अगर आपको DELED करना है तो ही एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो DELED में आने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। 12 दिसंबर को पहली क्लासेस हमारी होंगी।